Hello friends, I am Dr. Thibaut Goyal, working as consultant, joint placement and orthopedic surgeon at Path InTouch Hospital, Ambala City. I am working here from the past 6 years. I have done my MBBS from Gordon Medical College Chandigarh and my MS Orthopedics from KGMC Lucknow. Today we are going to discuss a very important topic that is osteoarthritis of knee. आजकल जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी ओपनी में डेली में बहुत से यंग लोग 35 टू 40 इयर्स की एज में भी घुटने के दर्द से आते हैं और जब हम उनके एक्सरे कराते हैं तो हम उनके घुटनों में अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस पाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इस चीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या कैसे डिले कर सकते हैं ताकि हमारे घुटने बचे रहें। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है हाउ टू प्रिवेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस इज एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज एक बहुत जरूरी चीज है। अब लोग पूछते हैं कि एक्सरसाइज कौन सी करनी है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसके अंदर वो है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग और हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज। ये दोनों एक्सरसाइज हमारे घुटने को बचा के रखती हैं। दूसरा लोग पूछते हैं कि हमें चलना कैसे है, कितनी वॉकिंग करनी है। तो वॉकिंग करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हम सिर्फ स्मूथ सर्फेस के ऊपर वॉक करें, अनइवन सर्फेस के ऊपर भी वॉक ना करें और जो भी हमारी एक्सरसाइज हो वो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज हो। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज का मतलब होता है जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग एंड वॉकिंग। अगर हम ये करते हैं, जॉगिंग भी हम कर सकते हैं। These are very good for knee and they will prevent progression of osteoarthritis of knee. दूसरा आता है डाइट। डाइट में हमें फ्राइड फूड अवॉइड करने हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेंगे तो उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये हमारे घुटने की इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करते हैं और ये हमारे osteoarthritis को डिले करते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर फैक्टर आता है वो है वेट। वेट के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर वेट बड़ा होगा तो osteoarthritis जल्दी प्रोग्रेस करेगा। वेट का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, उसके अंदर एक जो है बॉडी मास इंडेक्स, हम कोशिश कर सकते हैं कि अपना बॉडी मास इंडेक्स लेस देन 25 रखें। अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स 25 से 30 के बीच में रहेगा तो प्री ओबेसिटी होता है और मोर देन 30 इट्स अ ओबेसिटी। सो वी हैव टू टारगेट आवर गोल कि हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है लेस देन 25 रहे। तीसरी सबसे चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें घुटने में इंजरी से बचाना है, कोई भी चोट नहीं खानी। अगर हमारे घुटने में इंजरी होगी या चोट लगेगी तो उससे हमारा घुटना जल्दी घिसेगा। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब है कि हमें फ्राइड, सोडा, अल्कोहल और रेड मीट ये चीजें अवॉइड करनी है। ये सब चीजें हमारे घुटने के आर्थराइटिस की तरफ लेके जाती हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है डायबिटिक पेशेंट्स। जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल करनी बहुत जरूरी है। अगर हमारी ब्लड शुगर बड़ी होगी तो हमारे घुटने के अंदर ऑक्सीडेंट स्ट्रेस बढ़ेगा तो इंजरी के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और अगर हमें फिर भी कोई घुटने की दिक्कत रहती है हमें अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से रेगुलर चेकअप कराना चाहिए ताकि हम इन बातों को जान सकें और अपने घुटने की को घिसने से बचा सकें। धन्यवाद।